नीता एंड आज के वीडियो में बात करेंगे कि इस वक्त आप जो आपकी विश के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो, जो भी टेक्निक आप इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अगर उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत लंबे टाइम के लिए आपकी ये जर्नी रही है, तो एक चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कोई भी इंसान ये चीज़ कर सकता है और यही चीज़ करनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना, आस्क बिलीव लेट गो एंड रिसीव, तो उसी के ऊपर ये चीज़ है जो डिपेंड करती है। आपको आज सिंपली क्या करना होगा, रात को सोने से पहले, मतलब रात को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, एट एनी टाइम आप इसको कर सकते हो, मेक अ विश। जो भी आपकी विश है, जो आपका डिज़ायर है, एक बार एक स्ट्रोंग इंटेंशन के साथ उसको सेट कीजिए, यूनिवर्स में रिलीज़ कीजिए कि मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट माई ड्रीम कार, यूनिवर्स को ये बताना है। पहले लिख कर बता सकते हो, बोल के बता सकते हो। सेकेंड चीज़ आपको करनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है लेट इट गो। एक बार मांगना ही काफ़ी है, यूनिवर्स को बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक बार ही मांगना है, यूनिवर्स को पता चल जाएगा, ठीक है। बिना मांगे भी यूनिवर्स को तो पता चल जाता है, स्टिल हम एक बार मांगेंगे। देन आपको क्विकली लेट गो करना है। अगर आप आधे घंटे तक अफर्मेशन करेंगे, दैट्स फाइन, लेकिन एक बार लेट गो करने के बाद आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, उसके बारे में वापस प्रे नहीं करना है, उसके बारे में कोई टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लेट इट गो। सबसे आसान तरीका, सबसे पावरफुल वे। मैंने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज पढ़ी हैं जहाँ पे लोगों ने क्या किया है पता है, सिर्फ एक बार मांगा कि यार आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दिस, यूनिवर्स को बोल दिया एकदम फीलिंग के साथ, खुशी के साथ, एंड देन वो बोल दे उस चीज़ को कि उन्होंने ऐसा कुछ मांगा था, एंड अचानक से उनकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। अब दूसरी बात ये रही, आपको लगेगा कि भाई एक्शन कहाँ गया, एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। तो एक्शंस लेंगे आप, लेकिन इंस्पायर्ड एक्शंस लेंगे, ठीक है। आपने लेट गो कर दिया है, आपको ये भी नहीं सोचना है कि मैं उसके लिए क्या एक्शन लूँ, यूनिवर्स का काम है ये, आप खुद ही इंस्पायर्ड एक्शन ले लेंगे जिसका रिजल्ट क्या होगा, आपका डिजायर, ठीक है। सो कुछ भी नहीं सोचना है, आज रात विश बना लीजिए कि आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट दी पर्टिकुलर डिज़ायर, जो भी है, स्पेसिफिक पर्सन है, प्यार है, सोलमेट है, अच्छे मार्क्स हैं, या कोई ड्रीम कार है, ड्रीम होम है, पैसा है, जो भी है, एक बार उस विश को आप बना लीजिए स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ, यूनिवर्स में रिलीज कर दीजिए, एंड उसके बाद कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई प्रेयर नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। सब कुछ यूनिवर्स पर टोटली सरेंडर कर देना है और जस्ट गेट योर सेल्फ बिजी इन योर लाइफ। दूसरे गोल्स को अचीव कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, खुश रहने की पूरी पूरी आप ट्राई कीजिए, खुश रहिए। जितने आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव रहेंगे ना, तो वो विश जल्दी पूरी हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि यार विश पूरी नहीं हो पा रही, तो डेफिनेटली आई एम श्योर आपने लेट गो नहीं किया है 100%। अगर आप 100% लेट गो करेंगे, तो वो विश 1000% पूरी होगी। पूरा विश्वास रखना है कि वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी, मैंने यूनिवर्स से मांग लिया है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। फिर देखना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में और परफेक्ट टाइमिंग में आपकी लाइफ में शो ऑफ करेगी, मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। इसके रिलेटेड कुछ सक्सेस स्टोरीज है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले इस कंसेप्ट को मैं आपको बता दूँ। तो इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखना फिर कितना जल्दी ये चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। पूरा डिटैच हो जाना है एक बार मांग के, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, आस्क बिलीव लेट गो एंड रिसीव, ठीक है। सो आज रात को ही करना, एंड फिर उसके बारे में मत सोचना, खुश रहो, मस्त रहो, एकदम एंजॉय करो अपनी लाइफ को। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो तब तक के लिए कीप गोइंग विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गुड वाइब्स टू ऑल।